एक तरफ डिजिटल इंडिया ओके की बड़ी बड़ी बातें होती हैं और वहीं पर दूसरी ओर वादी कश्मीर में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग सड़कों की हालत को देखकर परेशान है। चलिए आपको सीधा गांधरबल ले चलते हैं। हमारे सीनियर साथी सलीमानी ग्राउंड से ज्वाइन कर चुके हैं और ग्राउंड से ही सारी सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे। सलीमानी की ये रिपोर्ट देखिए। जी सलीम, देखिए, जो लरी प्रांग है यहाँ पे कल सुबह से जो यहाँ पे मैग्नमाइजेशन हो रही है, यहाँ पे लोगों ने कल शाम से ही हमको फोन किया था कि यहाँ पे जो मैग्नमाइजेशन हो रही है प्रॉपर ढंग से नहीं हो रही है, क्योंकि वहां से गाड़ियों से लाया गया है मैग्नमाइजेशन और सीधे जो डस्ट है उस पे डाला गया है। और कल 3 बजे से जो यहाँ का लोकल सरपंच है निसार अहमद शाह साहब, उसने इनके साथ राबता कायम किया, लोगों ने भी राबता कायम किया, लेकिन हालत ये है कि जो कंसर्न अफसर्स है वो इनको ये बोलते हैं कि हमें जो करना है हमको करने दे दो। हालांकि कल शाम को यहाँ पे जो लोकल यूथ से उनको और आरएनबी के जो ऑफिशियल्स है आपस में तू तू मैं भी हो गया, लेकिन बात ये है, ये तू तू मैं बात वाली नहीं है। 7 सालों के बाद मैग्नमाइजेशन तो हो गई, लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखने की जरूरत है। अभी तो यहाँ पे एक्जन साहब भी आए थे, एडब्ल्यूई साहब भी आए थे, लेकिन मसला वही है, क्योंकि सरपंच को भी ये कहा गया पहले मास्क लगाओ, फिर ठीक है मास्क तो ठीक है, लेकिन जो हालात है हम दिखाएंगे आपको जरूर। जो मैग्नमाइजेशन हो रही है यहाँ पे जो डस्ट पे दिखा, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि देखिए कैसे लूटा जा रहा है गवर्नमेंट के खजानों को, कैसे दिखा रहा है पूरा, आप देखिए ये हालात है लरी प्रंग के रोड की, ये मैग्नमाइजेशन है, ये हालात है इस रोड के, इससे पता चलेगा कि कितना ग्राउंड लेवल पे काम होता है। जरूर 7 सालों के बाद इस लरी प्रंग में मैग्नमाइजेशन हुई थी। आपने देखा होगा कैसे मैग्नमाइजेशन हुई है यहाँ पे, इससे पता चलता है कि ग्राउंड लेवल से ही हमेशा जो कश्मीर का, मैं इतना जरूर कहूंगा यहाँ पे जो कलेक्टर है चाहे वो आरएनबी हो चाहे वो पीएमजीएसवाई हो चाहे वो पीएचयू हो, ग्राउंड लेवल पे ऐसे ही लोगों को नाला किया जाता है। सरपंच तो बनाया लेकिन सरपंच की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि सरपंच खुद बन गया, लेकिन जब सरपंच बनाने की कोशिश करते हैं तब सबको बुलाते हैं। हालात ये है, लोकल भी यहाँ पे परेशान है। 8 सालों के बाद ये 2 किलोमीटर इनको मैग्नमाइज हुए थे, लेकिन ये हालात है 3 महीने के नहीं, 2 महीने के नहीं, 15 दिन के बाद जब बारिश गिरेगी तो ये खत्म होगा। जरूर जानना चाहेंगे यहाँ के सरपंच से कि उन्होंने क्या कहा था, वापस में क्या जवाब आया, ये सरपंच ही बोलेगा। सुनील साहब थैंक यू, आपका हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे हर वक्त हमारे काम आते हैं, लेकिन आज ये मसला है कि कल से हमारे यहाँ मैग्नमाइजेशन शुरू हो रही थी, जबकि उनको पहले आना था, यहाँ रोड करेक्शन करनी थी, क्लीनिंग करनी थी, डस्ट निकाल साफ करना था, कंप्रेशन लगाना था, लेकिन उन्होंने एक ही बार सारा मशीनरी भी लाई, मैग्नम भी लाया, रोड की एक गाड़ी भी लाई और टोटली कंप्रेशन का सिर्फ दिखा लिया लोगों को गर्द उठाने के लिए। बाकी हालात आपके सामने हैं, इनको मैंने सिर्फ इनकी मेजरमेंट मुझे नहीं नापनी है, वो कॉल में इनकी क्वालिटी मुझे नहीं देखनी है, लेकिन जब मिट्टी पर ये माल आ गया, मिट्टी पर इतने करोड़ों रुपए जब लगा जाया हो गए, तो इसका क्या मकसद है? मेरा यही मकसद है कि जब तक इसको पहले सफाई न की जाए, जब तक रोड सरफेस क्लीन न हो जाए, उस पर टैग कोट न किया जाए, उसकी स्क्रैचिंग न की जाए, तब तक ये फजूल पैसा लगाना है। थैंक यू सर। ये हालात है, सरपंच क्या कह रहा है, ऑन ग्राउंड कैसा काम हो रहा है, जरूर मैडम को इसमें देखना है, डीसी मैडम को देखना है, डिविजनल कश्मीर कश्मीर को देखना है कि ग्राउंड लेवल पे क्यों लोग नाला होते हैं, क्यों लोगों के साथ ये अन्याय होता है कि काम जब हो प्रॉपर चैनल से हो। अब आने वाले वक्त में 2 दिन 3 दिन पता चलेगा कि कितना कामयाब रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन और आरएनबी डिपार्टमेंट, वही होगा जो 20 सालों से हुआ, जो सितारे दिखाए गए यहाँ पे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, गांदरबल, कंगन, कश्मीर।